रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू चिकन की कटलेट बना रही हूँ, जिसके बीच में मैं चीज़ की फिलिंग करूँगी। सबसे पहले मैंने आधा किलो चिकन है और आधा किलो आलू। सबसे पहले मैंने चिकन जो है वो 3 कप पानी के साथ बॉईल करने रख दिया। ये हड्डी वाला चिकन है, जैस के मैंने पीसेस लिए हैं, और आलू जो है वो दूसरी साइड पर बॉयल हो रहे हैं। अब मैं इसमें आधा हाफ़ टी स्पून जो है काली मिर्च डालूंगी, और पानी में इसी पानी में मैं डालूंगी काली मिर्च, और फिर इसके बाद हम जो है नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक जो है। अब ये देखिए, मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट, क्योंकि मैं इसमें भी चिकन पाउडर आगे और चीज़ें भी ऐड होंगी, तो मैं नमक हम लोग कम खाते हैं। अब अपने टेस्ट के मुताबिक 1 चम्मच अदरक लहसुन मैंने डाला है इसमें, 1 चम्मच है, मैंने क्योंकि कम लिया था 1 चम्मच है, तो मैंने अब दोबारा से इसमें ऐड किया है, ठीक है, 1 टेबल स्पून के करीब है। और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिस तरह मेरे आलू भी बॉईल हो रहे हैं, और मैं इसको अच्छे से हिला के फिर बॉईल होने के लिए रख दूँगी, ठीक है। और अब हम दूसरी तरफ आते हैं इसका मसाला। हरा मसाले में मेरे पास थोड़ा सा पुदीना है, 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं। पुदीना जो है वो मैं अपने चॉपर में डाल दूंगी, और 3 अदद हरी मिर्चें जो हैं वो भी मैं चॉपर में डाल दूँगी। अगर आपका मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा है तो फिर आप आधा 1 किलो का पूरी ये रेसिपी है, तो उस हिसाब से आप फिर हरी मिर्चें और ऐड कर लें। और उसमें 1 बंच पूरा हरा धनिया मैं ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कबाबों का। और मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। जैसे ही मेरे चॉप हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी, और इसी चॉपर को धोने की बार बार ज़रूरत नहीं है, इसी में हम जो बॉयल हुआ चिकन है और आलू हैं वो ऐड कर देंगे। अब ये हरा मसाला हमने निकाल दिया, और अब चिकन जो बॉयल हो गया था उसकी हड्डियाँ निकाल के अब हमने इसको जो श्रेड किया हुआ चिकन, इसको श्रेड कर लिया। श्रेड किया हुआ चिकन जो है अब हम अपने चॉपर में डाल देंगे, इसी हरे मसाले के साथ हम जो है चिकन को मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से बन जाए। और फिर से मैं जो कुछ मसाले हैं वो डालूंगी, पिसा हुआ गरम मसाला मैं ऐड करूंगी इसमें 1.5 चम्मच करीब, ठीक है, ताकि इसमें अच्छा सा खुशबू आ जाए। पिसा हुआ गरम मसाले से बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया इसके अंदर, और अब मैं जो है इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूंगी, 1 टी स्पून के करीब, 1 टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करूंगी, और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी। सबसे पहले मैं फिर अब जो है आलू मेरे जो मैंने बॉईल करके छील लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और आलू भी इसी के साथ मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा बनता है। हमें आलू मैशर से बजाय इसके अंदर इसका जो टेस्ट होगा आलू और चिकन के नगेट्स की तरह का टेस्ट बन जाएगा। फिर दोबारा से मैंने पहले आधे आलू डाले थे, फिर मैंने और आधे आलू डाले, और देखिए इसका जो पेस्ट बनेगा, इसके अंदर हरा मसाला डालेंगे और फिर मैं आपको इसका पेस्ट दिखाऊंगी कि बहुत ही मज़े का, बहुत ही अच्छा पूरा ब्लेंड हुआ, बैंड चॉप हुआ हुआ बिल्कुल बारीक बारीक इसका पेस्ट बनेगा। अब हम इसके अंदर ये हरा मसाला भी डाल लेंगे, मसाला भी इसके अंदर मिला दिया, और बहुत अच्छा सा देखेंगे एक मिक्सचर बन के एक जो स्टिकी स्टिकी सा जो पेस्ट बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा सा वो बन जाता है। लेकिन इसमें आप मेक श्योर करें कि आपके जो आलू हैं उनका सारा मॉइस्चर निकला हुआ हो अच्छे से, वो मतलब एक उनके अंदर से जो पानी होता है वो निकला हुआ हो। अब ये सारा मेरा जो हो चुका है, जो कटलेट के लिए जो पेस्ट बनाया था वो मेरा हो चुका है, मतलब अच्छा सा चॉप हो चुका है। अब मैंने एक प्लेट में ऑयल ले लिया और उसको अच्छे से मैंने हाथ पे फ्लैट करके अपने हाथ पे रख लिया। ये मोटा मोटा बिल्कुल ऐसे कबाब, शामी कबाब होते जाते हैं या कोई भी कबाब होते हैं उनकी तरह होता है, या चिकन नगेट्स की तरह। उसके अंदर हम चीज़ डालेंगे, अंदर ये जो मोज़रेला चीज़ है इसको अंदर हम अच्छे से फिल कर देंगे। देखिए मैंने कितनी सारी चीज़ ली है, और इसको मैंने बिल्कुल ऐसे हाथों की मदद से फोल्ड कर दिया है। देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसको फोल्ड किया हाथों से ऐसे करके, ताकि चीज़ हमारी अंदर इसके अंदर ही हो जाए। और अब ये कबाब जो हैं इसके बहुत अच्छे से कटलेट इस तरह का शेप में दे रही हूँ, बिल्कुल फ्लैट शेप दे दिया है मैंने। देखिए बड़े बड़े से थोड़े बनते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ भी होती है, और ये इसका जो मिक्सचर ऐसे आलू और चिकन का बैटर होता है ना, ये बिल्कुल पतला पतला बनता है और हरे मसाले की तरह बनता है, बहुत मज़े का बनता है। तो इसको इसी तरह बनाएगा मैशर से, अगर आपके पास चॉपर नहीं तो फिर आप मैशर से मैश कर लें, लेकिन अगर चॉपर है तो फिर आप चॉपर में ही इसे करने की कोशिश करें। मैं अपने दूसरा कप कटलेट ऐसे ही बना रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैंने चीज़ रखी है और इसके अंदर मैंने ये डाल दिया, और इसको मैं फिर से फोल्ड कर लूँगी, कबाब कटलेट की शेप दे दूँगी बहुत अच्छे से। ये देखिए ऑयल लगा लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा पतला होता है इसका बैटर, तो इसलिए हमें इसमें हाथों में अच्छे से ऑयल लगाना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा कबाब भी बन के, कटलेट जो है वो बन के रेडी हो गया।
ये देखिए कितना अच्छा सा, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी इसको मसला नहीं होगा बनाने में, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों को लगेगा कि चौपर में बनाने मसला हो रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। बस इसमें मेक श्योर करें कि चिकन भी आपकी मॉइस्चर निकला हुआ और आलूओं का भी, और तीसरा भी हमारा कटलेट ही बन के रेडी हो गया। बस बाकी मैं कटलेट ख़ुद से बना लूँगी जल्दी जल्दी। और अब मैं लूँगी 3 अंडे और इसके अंदर मैं डालूँगी गार्लिक पाउडर, गार्लिक पाउडर डालूँगी और साथ में मैं 1 चम्मच के करीब थोड़ा सा मैं गार्लिक पाउडर में स्प्रिंकल कर डाल दूँगी और कुटी हुई मिर्च डालूँगी, ओरिगैनो डालूँगी। तो ये देखिए मैं इसमें ओरिगैनो डाल रही हूँ और ये कुटी हुई मिर्च जो है ये मैं इसके अंदर अब डालूँगी। और एक प्लेट में मैंने जो मेरे पास प्लेट है इसमें आपको, सॉरी ये वाइट प्लेट है तो आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा, इसमें मेरे पास जो है 2 चम्मच के करीब बेसन है, 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर है और 2 ही चम्मच के करीब मैदा है। मैदा डालने की हमें ज़रूरत इसलिए कि मैदा से कुरकुरे कुरकुरे सा टेस्ट आता है, ऐसे नगेट्स होते हैं इस तरह का, तो मैदा डालेंगे तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैदा नहीं है तो आप आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो है मैं इसके अंदर मिला लूँगी। अगर आपके अंडों के हिसाब से ज़्यादा है तो आप फिर पूरा नहीं डालिए, कम डालिए। मेरे अंडे 3 मैंने लिए थे तो मैंने ये इस हिसाब से डाला है, थोड़ा मेरा बच भी गया है तो कोई इसमें इशू नहीं है। आप इसको दोबारा मतलब अपने अंडे के हिसाब से डालिए। मैंने 2-2 चम्मच ये तीनों चीज़ों को लिया है और इसमें मैंने ये तीनों चीज़ें डाल के अंडे, कुटी हुई मिर्च और गार्लिक पाउडर और ये ओरिगैनो मैंने डाला है, इसको मैं अच्छे से फेंट रही हूँ बहुत अच्छे से। जब आप फेंट लेंगे तो ये आप इसके अंदर फिर ये इस इसी ये कबाब के ऊपर लगाने के लिए कैसे काम आएगा। अब मेरे कबाब हैं, अब मैं इन कटलेट को अंदर इसके अंदर डिप करूँगी बहुत अच्छे से, बहुत इतनी इनको इतना मतलब इस बैटर को इस तरह होना चाहिए कि कबाब के ऊपर पूरा कटलेट के ऊपर जो है पूरा स्टिक हो जाए, ठीक है। और अब मैं एक एक करके इसमें अंदर कटलेट डालती रहूँगी। एक मैंने डाल दिया और हमारा ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। अब ये दूसरा मैंने डाला है और इसके अंदर कोशिश करिए कि आपका जो बैटर है वो पूरा लगा रहे इसके ऊपर, सही से स्टिक हुआ हो। और अब ये मेरे जो कटलेट हैं ये इसके अंदर फ्राई हो रहे हैं, मैं तीसरा भी डाल दूँगी। इस तरह मैं 4-5 डाल के एक साथ इनको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए मेरे 5 के करीब 6 हो गए बल्कि, ये मैंने एक साथ डाल दिए और अब ये मेरे फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको पलटती रहूँगी अच्छे से। कभी कभार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ये आप इसको वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है तो आप लोगों को आइडिया तो हो जाता होगा। तो ये इसमें मैंने अब ये सारे कबाब को मैं अब देख रही हूँ कि पक रहे हैं तो मैं इनको फोल्ड कर करके मतलब उल्टा कर रही हूँ और जो जो फ्राई होते जा रहे हैं उनको मैं इनकी जगह पलटती जा रही हूँ। मेरे कबाब अब मेरे कटलेट जो हैं वो तकरीबन हो गए, ये बिल्कुल ऊपर से कड़क कड़क होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए मैंने फुल बहुत ज़्यादा मेरा जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा फुल था उससे मैंने ये बनाया। और इनको बनाकर बस मैं अब ये मेरे जैसे ही फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको उतार जैसे ही मेरे फ्राई हो जाएंगे तो मैं इनको उतार लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके अंदर चीज़ किस तरह मेल्ट होती है। तो अब ये मेरे कटलेट तकरीबन हो गए हैं और अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो बस अब मैं ये जैसे ही मुझे लगता है कि नीचे से भी हो जाते हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, ऑयल में अच्छे से कर लूँगी और मैंने ये प्लेट के अंदर निकाल लिए। बहुत मज़े के देखें ये इस तरह से होते हैं चीज़, देखें इसमें से किसी किसी में से चीज़ हल्की हल्की बाहर आ रही है, बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है इनका। प्लीज़ एक दफ़ा ट्राई करिएगा। और ये मेरे कटलेट सारे मैंने निकाल लिए ये कटलेट मैंने निकाल के प्लेट में मैंने निकाल लिए, सही है। और मेक श्योर करिए कि आपका ऑयल पैन की इस टाइम पर आपका जो पैन फ्लेम है पैन के नीचे जो फ्लेम हमने ऑन किया हुआ है वो हल्का हो जाए। और अब ये देखिए मेरे कटलेट बन के रेडी हो गए और ये जैसे मैं ब्रेड के साथ और टोस्ट के साथ किसी के साथ भी, ये देखिए इसके अंदर चीज़ कितने ज़्यादा अच्छे से निकल रही है, मेल्ट हो गई है पूरी चीज़।
ये मैंने आपको दिखाया और अब मैं इसको देखेंगे ब्रेड के साथ खा के बताऊँगी। ब्रेड के साथ खाने में बहुत मज़े के लगते हैं, आप इसका सैंडविच भी बना सकते हैं और बच्चों के स्कूल के लंच में भी दे सकते हैं और शाम में चाय के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।